प्रोडक्ट वायरल हो रहा था इसलिए खरीद लिया और अब समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ करें तो करें क्या क्योंकि अभी हमारे स्किन के रूटीन में फिट नहीं होता होता है ये सबके साथ आपके साथ मेरे साथ वेलकम टू माई सीरीज जहां मैं आपको सिखाती हूँ कि एक स्किन केयर को अलग अलग तरीके से कैसे यूज करें कल हमने देखा था कि हम ग्लाइकोलिक एसिड को 10 तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं और आज मैं आपको बताऊंगी 10 डिफरेंट वेज इन विच यू कैन यूज योर हायरोलॉनिक एसिड एसिड सेरम काफी वायरल हुआ था इन 2020 एंड 2021 लोगों ने भर भर के खरीद लिया अभी तक पड़ा हुआ है और हमें समझ नहीं आ रहा कि इसे यूज कैसे करें हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर मेरा नाम है निपुन आपकी स्किन केयर बेस्टी एन सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ डू यू यूज वेस्ट नहीं हो वीडियो शुरू करने से पहले यू नो द ड्रिल्सक्राइब अगर आप इंजॉय करते हैं साइंस पैक डेली स्किन केयर कॉन्टेंट मैं बनाती हूँ एक नई वीडियो एवरी सिंगल डे हियर स्किन के ओनली चैनल ऑन प्लानेट अर्थ जहां आपको मिलते हैं डिटेल्ड स्किन केयर रूटीन प्रोडक्ट को कैसे लगाना है कब लगाना है लेयरिंग कैसे करनी है अपनी गलतियों को ठीक कैसे करना है बेसिकली जो 200 करोड़ चीजें मिल रही हैं मार्केट में उसके साथ करना क्या है मैं यहां सिखाती हूं जनवरी so में शुरू हो रहा है हमारा गिव अवे जिसके डिटेल्स में आपको दूंगी वीडियो के बीच में साथ ही साथ इस सैटरडे होगी हमारी स्किन केयर लाइव फॉर एवरीबडी रात को सैटरडे को होगी रात को ये टाइम में डाल दूंगी वीडियो में एंड इस टाइम पे इस वीडियो में या इस लाइव में हम करेंगे डिटेल्ड रेटिनॉल लेयरिंग ले यानी रेटिनॉल को कैसे अलग-अलग तरीके से लेयर करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी रात का टाइम है अपना स्किन केयर लेके आ जाना साथ में करेंगे स्किन केयर रूटीन आई बिलीव हम सबको बहुत मजा आएगा अब करते हैं वीडियो को शुरू यूज केस नंबर 1 हाइलोगनिक एसिड का इज नंबर 1 अगर आपके पास कोई भी शीट मास्क है और आप चाहते हैं कि अपने शीट मास्क को और ज्यादा अमेजिंग आप बनाएं तो इसे अपने शीट मास्क को लगाने से पहले लगाएं यानी रात को या दिन में आपने चेहरे को किया अच्छे से उसके बाद गीले चेहरे पर लगाएं दो से तीन पंप हाइरोनिक एसिड सर्व थोड़ा ज्यादा लगा लें उसके बाद लगाएं अपना शीट मास्क 10 से 15 मिनट वेट करें उतारें शीट मास्क आई प्रोमिस यू यू विल है द अमेजिंग द मोस्ट प्लम्प स्किन एवर इसे अपने मेकअप में ऐड करें। जितने लोग शिकायत करते हैं कि क्रीम बहुत थिक थिक है, है, फाउंडेशन बहुत इसको रियली रियली फ्लॉलेस फिनिश लेकिन मेरा फेवरेट अ मेकअप प्रोडक्ट इज एक्चुअली नाइट फाइव परसेंट जिसपे मैं वीडियो बना चुकी हूँ जिसे आपके देख सकते हैं नंबर टू कोई भी बेसिक मॉइस्चराइजर है आपके पास जेल बेस्ड या क्रीम बेस्ड उसमें ऐड करें एक से दो पंप हाइड्रॉनिक एसिड सेर्म सोडियम हाइड्रोलोनेट जो बेसिक फॉर्म है हायरॉनिक एसिड का ये मच हर क्रीम uh, में आजकल पाया जाता है लेकिन अगर आपके चेहरे पे आप चाहते हैं वो boost, effect, that, अभी सर्दियां चल रही हैं एंड आई नो दैट हम चाहे कितना भी कुछ लगा लें हमारी स्किन काफी ड्राई होती है मैंने आजकल दो चीजें करनी शुरू करी हैं नंबर वन जहां मैं नहाती हूँ इन माई शॉवर एरिया मैंने एक बहुत बड़ा हार्डलॉनिक एसिड का बॉटल रखा है जो बेसिकली एक जापानीज हारा लोबो जापानीज वाला हार्डलॉनिक एसिड है शौक से खरीदा था इतना सारा प्रोडक्ट मुझे मिल गया है जो मैं प्रिटी मच यूज नहीं कर सकती पहले मैं इसे पूरे साल लगाऊं सो आई डू टू थिंग्स शावर करने के इमीडिएटली बाद जब आपकी बॉडी थोड़ी गीली होती है

लिपस्टिक्स uh, लगाते हैं जो बहुत लॉन्ग लॉन्गरिंग है जिसकी वजह से अपने में, आपने एक बार अपना रूटीन आपने करना शुरू किया हार्लोनिक एसिड मे बी वन पम्प उससे भी थोड़ा अपने लिप्स पे लगाएं उसके बाद लगाएं अपना लिप बाम एक सिंपल वैसलिन विल बिकम लाइक द बेस्ट स्लीपिंग मास्क अगर आपने उसके पहले एक ड्रॉप हार्लोनिक एसिड का अपने लिप्स पे लगाया फैब्यूलस ट्रीटमेंट है इट इज सो सेफ इवन बेबीज कैन डू इट ट्राई इट आउट इट इज फैब्यूलस यूज केस नंबर सिक्स एंड ये तब बहुत इंपॉर्टेंट होता है समर्स में जब आपको सनबर्न हो जाता है से आपको बहुत प्रोलॉन्ग एक्सपोजर था सन का और आपकी स्किन अब सडनली बर्न फील कर रही है या जली सी या यू नो यूर फीलिंग इरिटेटेड

बिकॉज क्लमजी मुझे ना कहीं कोई ऑयल का छीटा लग जाता है स्टीम लग जाती है आई बेसिकली हैव बर्न मार्क्स ऑन हैंड्स ऑल द टाइम कुछ ना कुछ करते हुए घो जाता है एंड जब मुझे बर्न्स होते हैं of course, मैं उसके ऊपर लगा के फिर लगाती मेरे बर्न एरिया को सूट करता है इससे मार्क्स भी नहीं पड़ते इट इज अ फैब्यूलसो ऑफकोर्स अगर आप मेरी तरह बर्न प्रोन है हार्डलॉनिक एसिड लगाएं अदरवाइज सनबर्न या डिहाइड्रेटेड स्किन के ऊपर भी हार्डनिक एसिड इज अमेजिंग नेक्स्ट थिंग हाथों से रिलेटेड क्यूटिकल्स ये जो हमारे नेल्स के आसपास का हिस्सा होता है यूजुअली ड्राई हो जाता है हाथ हम बार बार धोते हैं ऑब्वियसली जो मैं हमेशा रेकमेंड करती कि हैंड क्रीम लगाएं lotion लगाएं लोशन हो नहीं पाता राइट अगर आपने किचन में अगर आपने तीन चार बार भी हाथ धो लिए अनलेस योर लोशन इज राइट देयर आप शायद मिस कर जाए लगाना रात के रूटीन में जो भी आप मॉइस्चराइजर हैंड क्रीम लगाते हैं उससे पहले क्यूटिकल एरियाज पे हल्का सा हार्डलोनिक एसिड लगाएं उसको मसाज करें उसके ऊपर लगाएं अपना मॉइस्चराइजर हैंड मॉइस्चुराइजर वैसलिनोशन वट एवर इट हर चीज सेम होती है बट इन जनरल अगर आपके ड्राई क्यूटिकल्स वाली इशू uh, है सॉल्व हो जाएगी ड्राई क्यूटिकल्स अगर छिलने लग जाएं तो बहुत पेनफुल होते हैं ऑब्वियसली दे डोंट लुक नाइस बट मोर देन नॉट लुकिंग नाइस दे फील टेरेबल बिकॉज दर्द होता है सो so, उस दर्द को अवॉइड करें बाई यूजिंग हाइड्रॉनिक एसिड ऑन योर क्यूटिकल्स हाथों के नेल्स पे पैरों के नेल्स पे दोनों जगह कर सकते हैं यूज केस नंबर सो आई दिस फ्रॉम क्लाइंट्स ऑल द टाइम कि हम जितना मर्जी एक्सफोलिएट करने, करने कर कर लें, स्क्रब कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था नीज एंड एल्बोज के लिए फैब्यूलस है ग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइकोलिक एसिड लगा रहे हैं उसके ऊपर अगर आपके पास हाइरोनिक एसिड है वो जरूर लगाएं फिर लगाएं मॉइस्चराइजर अगर नहीं है तो ग्लाइकोलिक के बाद मॉइस्चराइजर लगा लें बट इफ यू फिनिश अप दैट बिग बॉटल ऑफ हारोलॉनिक एसिड यूज इट आफ्टर यू यूज एनी एनीट ऑन योर बॉडी वेदर आप उसे नीज पे लगा रहे हैं एल्बोस या पैरों पे लगा रहे हैं इज यूज केस नंबर यूज केस नंबर नाइन आपने सुना तो कहीं नहीं होगा बट अगर आप मेरे हेयर केयर वीडियो फॉलो करते हैं तो आपने देखा जरूर होगा इज यूजिंग हारोलोनिक एसिड इन योर वेट हेयर बाल धोने के बाद जब आपके बाल गीले होते हैं एस अ लीव इन कंडिशनर अगर आपको नहीं खर्च करने दो हजार रुपए या फिर एसिड होता है आप दोनों में से किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं अपने बालों पे Scalp पे मत लगाए बालों पे लगाए यू विल नीड अबाउट डिपेंडिंग आपके बाल कितने हैं कितने लंबे हैं मेरे बाल जो छोटे हैं रिसेंटली गॉट अ हेयर कट लेटम थिंक अबाउट इट सो इस तरह के मीडियम लेंथ वालों पे मुझे तीन से चार पंप लगते हैं हार्डोलॉनिक एसिड के उससे आपके बाल बहुत स्मूथ रहते हैं फ्रिज फ्री रहते हैं इट इज अ अबलेस लीव इन कंडीशनर दैट इज हाउ आई लाइक टू यूज द प्रोडक्ट एंड ऑफ कोर्स यूज केस नंबर टेन जो सब लोग जानते हैं इज यूजिंग इट ऑन योर फेस बट फेस पे हार्डलॉनिक एसिड को किस तरह से लेयर करें फॉर मैक्सिमम एफिशियंसी लेट्स डू अ क्विक रिकेप अबाउट इट फेस पे हार्लॉनिक एसिड लगाने के हैं ये आपके लेयरिंग ऑप्शंस नंबर वन क्लीन ड्राई फेस पे ड्राई नहीं क्लीन डैम फेस पे हार्डनिक एसिड लगाएं उसके ऊपर लगाएं मॉइस्चराइजर नंबर टू एसिड को लेयर करें नाइट के साथ हाइड्रेशन प्लस ब्राइटनिंग नंबर थ्री अगर आप लगाते हैं रेटनॉल बिगिनर है तो ये है आपका ऑप्शन हार्डलॉनिक एसिड लगाएं गीले हल्के गीले चेहरे पे मसाज वेट फॉर इट टू ड्राई फिर लगाएं रेटनॉल फिर लगाएं फेस क्रीम एडवांस्ड यूजर हैं तो फ्लिप कर दें एडवांस्ड यूजर हैं तो पहले ड्राई चेहरे पे क्लीन ड्राई फेस पे लगाएं अपना रेटिनॉल पांच मिनट का वेट करें उसे कंप्लीटली अब्जॉर्ब होने दें फिर चेहरे को हल्का मिस्ट करें पानी के साथ रोज वाटर के साथ किसी भी चीज के साथ फिर लगाएं हार्ड एसिड फिर लगाएं फेस क्रीम

हर स्किन care इंग्रेडिएंट के साथ यूज कर सकते हैं सो हियर आर द टॉप टेन टेन वेज ऑफ यूजिंग हार्डलॉनिक एसिड इन योर स्किन care रूटीन अब मैं आपको बताती हूँ डिटेल्स ऑफ द गिव अवे जनवरी का गिव अवे फाइव थाउजेंड रुपीज वर्थ ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट प्लस अ डिटेल स्किन केयर रूटीन ओपन है ये उन सब के लिए हु लिव इन इंडिया यूएई या के तो तीन कंट्रीज के लिए ये और इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है वेरी सिंपल आपने अभी तक स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस आते हैं वीडियो के दौरान उसका आप जवाब दें थ्रू आउट द मंथ आई एम गोण डू दिस एंड एट दिस मंथ यानी एंड ऑफ जनवरी मैं एक विनर अनाउंस करूंगी सेम प्रोसेस रिपीट होगा फेब में मार्च में अप्रैल में बेसिकली टिल दिसंबर ऑफ दिस ईयर हर महीने होगा एक गिव अवे ओपन टू थ्री कंट्रीज अगर मैं शिपिंग फिगर आउट करूंगी आई वुल ओपन इट अप टू मोर कंट्रीज बट बेसिकली दिसब ऑलरेडी अगर डेली स्किन केयर रूटीन आपके लिए इंसेंटिव नहीं है आपसे मिलूंगी कल अनदर वीडियो जहां मैं आपको बताऊंगी टॉप सेवन वेज ऑफ यूजिंग अनदर स्किन केयर इनग्रीडियंट जो आपके शेल्फ पे पड़ा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ करना क्या है सो इफ यू एंड्रॉयड डू वेटर थम्स अप मैं आपसे मिलूंगी कल टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ यूर सेल्फ बाय